हेलो दोस्तों, मैं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वार्ड नंबर 2 महाडा कॉलोनी में। मेरे ठीक सामने मदरसा अनवार रज़ा और उसके ठीक बाजू में आप जो एरिया देखेंगे जहाँ पर एक बस्ती है, छोटी सी जगह है, कि आप ये जो एरिया, जो रास्ता आप देख रहे हैं मेरे पीछे यहाँ पर होने की सबसे बड़ी वजह कि देखिए ये यहाँ पर जो प्रॉब्लम है, ये जो ड्रेनेज की लाइन जो आसपास के घरों में, जो यहाँ पर आप घर देख रहे हैं उनकी जो ड्रेनेज की लाइनें जो यहाँ पर गई हुई है, जो नगर पालिका की जिम्मेदारी बनती है कहीं ना कहीं कि उसको टाइम टू टाइम साफ़ करें, क्योंकि ये पूरा चैम्बर है। आइए आपको करीब से दिखाते हैं हम इसके बारे में। ये यहाँ पर एक चैम्बर है और उसके ठीक बाजू में आप देखेंगे तो ये गटर है। ये देखिए, ये यहाँ पर गटर है और ये यहाँ पर चैम्बर है। ये 1, 2, 3 चैम्बर तो फिलहाल यहीं पर दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये चैम्बर की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि ऐसा लग रहा है कि बारिश का महीना है और बारिश की वजह से ये पूरा का पूरा भरा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये बारिश का पानी नहीं बल्कि ड्रेनेज चैम्बर का जो पूरी ग्लाजत होती है, टॉयलेट का जो पूरा पानी होता है, वो पूरा का पूरा बाहर है। अब ऐसे हालत में यहाँ के लोग क्या करेंगे? अब किसी को नमाज जाना है, किसी को काम से जाना है, किसी को कैसे भी जाना है, तो ऐसी स्थिति में लोग कैसे इस रास्ते को क्रॉस करके जाएंगे? आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जाने का बिल्कुल भी रास्ता नहीं है। तो चलिए जो यहाँ के रहवासी लोग हैं उनसे जानते हैं कि आखिर वो ये सारी चीज़ें कैसे हुई और कब से ये प्रॉब्लम है। क्या यहाँ पर कोई नगर सेवक नहीं, क्या यहाँ पर कोई सोशल वर्कर नहीं, या ये एरिया क्या महानगर पालिका के अंडर में नहीं आता, या क्या इस एरिया का कोई जिम्मेदार नहीं? आइए यहाँ के लोगों से कुछ बातचीत करते हैं इसके बारे में। ये थोड़ा ऊपर दिखाइए आप पहले कि ये दोनों तरफ घर है और ये बीच का रास्ता है। बीच के रास्ते में पूरा ड्रेनेज का पानी बह रहा है। पूछते हैं भाई से, क्या बोलेंगे भाई इसके बारे में? देखिए, बोलना यही है कि आज ये जो भी प्रॉब्लम है, आज एक दिन का है नहीं। हम लोग जब बहुत छोटे छोटे थे तो इस गली में हम लोग खेला करते थे, लेकिन आज हालात ऐसे कि इस गली से आदमी गुजर नहीं सकता है। और आगे चल के रमज़ान है, जो भी मतलब तकलीफ़ है, आज इससे पहले भी 2-4 बार बोला गया है लेकिन अभी तक इसका कोई हल नहीं निकला। कब से है ये प्रॉब्लम? ये प्रॉब्लम मेरे हिसाब से 2 से 3 साल रहे है, या उससे भी पहले ऐसे ही रहता है यहाँ पर। जी, साफ करेंगे 2-3 दिन रहता है साफ, उसके बाद फिर ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। कौन साफ करता है? आप लोग साफ करते हैं कि नगर पालिका कोई बंदा, या फिर कौन साफ करता है इसको? नहीं, म्युनिसिपैलिटी में हम लोग बोलते हैं तो म्युनिसिपैलिटी के लोग आगे साफ करते हैं, लेकिन अब यहाँ पर इतना मतलब हो गई आबादी और जो भी मतलब इशू है, तो इसको अब जब तक जड़ से ख़त्म नहीं करेंगे तो ये होने वाला नहीं है। साफ़ करने के बाद सिर्फ 2-3 दिन साफ रहता है, उसके बाद फिर सेम प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं ये है कि साफ़ सफाई भी बराबर से नहीं होती, सिर्फ ऊपर से सफाई करते हैं शायद इसीलिए। नहीं, ऊपर से सफाई की मतलब नहीं है, मतलब इसका कैसा है कि ये पहले जब जो चैम्बर था तब यहाँ पे मतलब आबादियाँ इतनी नहीं थी, आज आबादी इतनी बढ़ गई है, लोग पानी यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं, घरें ज़्यादा हो गए हैं, सब हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं जो चैम्बर की साइज थी वो या तो बढ़ाना पड़ेगा या तो उसको पूरा ड्रेनेज को पूरा या तो पूरा खोल के फिर से उसको क्लियर बनाना पड़ेगा। तो इसके बारे में नगर आपने जो नगर सेवक होते हैं या जो मेयर होते हैं या जो भी 4-4 नगर सेवक इस वार्ड के भी होंगे, तो उनसे कॉन्टैक्ट किया आपने इसके बारे में? जी, हम लोगों ने ऑफिस पे भी उनके गए, बाकायदा बोले हैं, और उनके 1-2 आदमी भी हैं जो आते हैं, उनसे भी शिकायतें की गई है इस चीज़ की, तो उन्होंने भी हमको दिलासा दिया कि हाँ, हम इस चीज़ को करते हैं, लेकिन अभी तक इसका काम कुछ हुआ नहीं है। अक्सर यही देखा जाता है कि सिर्फ दिलासा ही दिया जाता है, काम तो कहीं होता हुआ नज़र नहीं आता। अभी सर पर रमज़ान है, पिछले हफ्ते ही से अगले हफ्ते से रमज़ान स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ के जो रहवासी हैं तो क्या वो इसी तरीके से इसी गंदगी में रहते हुए अपना रमज़ान गुजारेंगे? चलिए कुछ दूसरे लोगों से बात करते हैं इस बारे में। जी खाला, अभी बोलिए, क्या दिक्कत? 2 साल से ये गटर ऐसी भर रही है, प्रकाश को रखा है वार्ड संभालने के लिए नगर सेवक। एक बार भी प्रकाश कौन, वो उसका कोई पीए है नगर सेवक का, वो हाँ गाड़ी ख़राब है, गाड़ी ये है, हमारे गली के टाइम पे उसकी गाड़ी ख़राब हो जाती, सब कुछ हो जाता। अब रमज़ान महीना आ गया, 2 दिन बाद हम कैसे जिएंगे? आज जुम्मा था, लोग नमाज को जाने वाले कैसे कैसे जा रहे, इतनी पास आ रही है, दरवाज़ा बंद करके बैठना पड़ रहा हमको, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ है, हद से ज़्यादा तकलीफ़ है। मतलब हमारी सुनवाई हो ही नहीं रही है, हम उसके ऑफिस पे जा रहे हैं, उसको बार बार बोल रहे हैं, तो वो कुछ तवज्जो दे ही नहीं रहा है। तो अक्सर वो कर मतलब क्या करना क्या चाहता है? उसके पास ना जाते हुए और भी नगर सेवक है, उनके पास जाकर देखिए। हमारे वार्ड का जो नगर सेवक है उसी के पास जाएंगे ना, तो अगर दूसरे के पास जाएंगे तो वो बोलेगा क्या मैं करके देता था काम, मेरा वार्ड है, तुम दूसरे के पास क्यों गए? उस पे से भी हम लोगों को आगे चल के तकलीफ़ आ सकती है, मतलब हमारी पानी की लाइन बंद कर सकता है, अभी तो गटर की तो हमको तकलीफ़ आई, फिर हमारे साथ वो भी कर सकता है, इसके लिए हम किसी और के पास जा नहीं रहे, इसीलिए हम मीडिया वालों को बुला रहे ताकि हमारी बात कमिश्नर तक के जाए। ज़रूर हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये बात उन तक पहुँचे। क्या कहना चाहेंगे? हम लोग परेशान हो गए ये गंदगी से, ना ही हमको संडास में बैठने की तिथि है और ना ही बच्चे लोग बाहर खेल सकते,
ना ही हम चल फिर सकते, उससे हमारे बच्चे बीमार भी हो रहे। हम बोल बोल के थक गए। प्रकाश को हम फ़ोन करते, वो फ़ोन उठाता नहीं, आया भी तो खाली पानी निकाल के जाता, उसके बाद लाइन साफ़ करता नहीं। अगर बोले भी तो बोलता तुम मीडिया को बुला रहे ना, मैं तुम्हारा काम नहीं करूँगा। अच्छा, ऐसा बोलते हैं कि मीडिया बुला रहे तो काम नहीं होगा। तुम मीडिया को बुलाओ, हमको क्यों बोल रहे? ये तो उनका काम है ना, ये तो उनका काम है, उनको तो करना ही पड़ेगा। उनको मतलब हम किसी को बोलना नहीं। हाँ, जब वो सुन नहीं रहे, हमारी सुनवाई नहीं ले रहे, जब भी हम मीडिया को बुला रहे ना, अगर वो लोग ही करते तो हम मीडिया वालों को क्यों बुलाते? सही है ना? तो वो सुनते भी नहीं और बोलने जाए तो हमको उल्टा जवाब देते। खाला ने एक बात बहुत सही की, अभी अभी रमज़ान का महीना भी है, दूसरी रमज़ान का महीना अगर ना भी हो तब भी इस तरीके की जो गंदगी है, जो बदबू है, वो आसपास का बिल्कुल आप देखेंगे तो ये गंदगी है और ये ठीक सामने घर है, तो लोग कैसे यहाँ पर रहेंगे? खाना पकाना है, खाना खाना है, तो कैसे इस बदबू और गंदगी में वो लोग खाना खाएंगे? इसके अलावा अगर कोई मेहमान इनके यहाँ आना चाहे तो क्या वो इस गंदगी में से आएगा जाएगा? बिल्कुल नहीं आ जाएगा। तो यहाँ के नगर सेवक जो भी हैं चार लोग, उनको ये चीज़ समझनी चाहिए। फिलहाल वो अपनी कुर्सी पर नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन क्या ये उनका या नगर पालिका का या कमिश्नर साहब का क्या ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि इस तरीके की जो गंदगी है उसको जल्द से जल्द साफ़ करें, उस पर ध्यान दें? इस चैम्बर में से पूरी की पूरी गंदगी कैसे भर के बाहर आ रही है, अब ये अगर इसकी साफ़ सफाई नहीं होगी तो इस एरिए की आप क्या हालत हो जाएगी, आप सोच सकते हैं? लोग यहाँ पर कैसे सरवाइव कर रहे हैं? यहाँ पर इंसान रहते हैं ना कि जानवर। क्या दिक्कत, क्या परेशानी? दिन खाली साफ़ रहता है, तीसरे दिन फिर वही हाल रहता है। और साफ़ करने लगाओ बस, क्या पाइप साफ़ करके चले जाते, ऊपर का वैसे छोड़ देते, साफ भी नहीं करते। ऐसे ही करते हमेशा? कब से है ऐसे प्रॉब्लम? ये प्रॉब्लम कब से? साल से कम तो एक साल तो कंटिन्यू हो गया। एक साल के पहले कोई नगर सेवक यहाँ पर नहीं आया देखने के लिए कि ये क्या हाल है इसका? हम लोग प्रकाश भाई को बोलते हैं तो आते हैं, साफ करते हैं, बस चले जाते, फिर वैसे ही हाल, दो दिन तीन दिन में फिर वही हाल हो जाता है। अभी कब आए थे लास्ट टाइम, आखिरी बार कब आए थे साफ करने के लिए? कम 15 दिन। 15 दिन पहले? 15 दिन पहले जिनका भी ये नाम ले रहे हैं वो लोग यहाँ पर आए थे 15 दिन पहले, साफ़ करके गए, लेकिन आप फिर आप ये हालत देख लीजिए। कहीं ना कहीं इनका कहना ऐसा है कि अभी ये लाइन को साफ़ करा के कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आबादी दिन ब दिन यहाँ पर बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं उनको ये लाइन चेंज करके देना पड़ेगा, बड़ी और अच्छी लाइन डाल के देनी पड़ेगी, ताकि इनको ये जो दिक्कत हो रही है वो दोबारा ना हो। आप ये जो ड्रेनेज जो आपको मैंने बाहर दिखाया उसका जो कनेक्शन है, ये आप यहाँ पर बाथरूम में आइए देखिए, आप ये पूरा का पूरा भर चुका है, क्योंकि वहाँ ड्रेनेज पूरा का पूरा जाम है, तो अब वो पानी जो है वो वहाँ से नहीं बहते हुए वहाँ बाहर तो बह रहा है, इनके जो बाथरूम जो टॉयलेट है वो उसका भी पानी ना जाते हुए अब वो पानी पूरा का पूरा बाहर आ रहा है। आप ये जो पानी देखेंगे, ये सारा का सारा पानी बाथरूम के अंदर से बाहर से बहता हुआ यहाँ पर आ रहा है, यानी वो जो ड्रेनेज की लाइन है वो पूरी की पूरी चौकअप हो चुकी है। जी भाई बताइए, क्या बोलेंगे इसके बारे में? भाई अब जो है आप देखे हो सामने, अब घर में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, आने जाने यहाँ पे रास्ता नहीं है। देखिए घर के सामने पूरा पूरा पैक है, इन लोग को बोल के कंप्लेन डाल के कुछ मतलब नहीं, आते हैं दो दिन में साफ करेंगे, फिर तीसरे दिन ये काम। अच्छा, ये प्राइवेट में आता है या फिर नगर पालिका के अंडर में? नगर पालिका के अंडर में ना भाई, प्राइवेट में कैसा है, प्राइवेट में रहता तो हम लोग कुछ कोशिश करते, एक बार वहाँ से हम लोग गड्ढा भी किए, लेकिन वो लाइन भी पूरी जाम है यहाँ से आगे जो गटर है जो। अच्छा। और जब बारिश होती है तो पूरा यहाँ से वहाँ तक पूरा पानी रहता है, बारिश में भी एकदम फुल हम लोग पानी में से जाना आना। क्या चाहते हो, मतलब क्या होना चाहिए अभी, कुछ बताओ आप लोग। होना चाहिए क्लियर, साफ करना चाहिए, और क्या दूसरा नगर सेवक के पास तो जाना पड़ेगा, नगर पालिका जाना पड़ेगा। गए थे आप? जाके आए हैं, बोले दो तीन बार ऑफिस पे भी गए हैं, सब किए तो बोले करवाते करवाते, अभी दो दिन से कंटिन्यू फोन कर रहे हैं तो बोलते गाड़ी भेज रहे हैं, अभी तक ना गाड़ी का पता है ना साफ करने का पता है। जी भाई क्या बोल रहे हैं? सबसे पहले तो जो सामने की जो मेन गटर है ना, वो तकलीफ 2 साल से है, ना नई गटर बनी है ना कुछ हुआ है, बारिश के 4 महीने पूरी तकलीफ होती है, आधा घंटा 15 मिनट अगर बारिश गिरती है तो वहाँ पे पानी पूरा जम जाता है, पूरे बच्चे छोटे छोटे बच्चे एकदम डेली की आने जाने की रास्ता ही है, तो डेली तकलीफ 4 महीने पूरे बारिश की वो गटर की वजह से रहती है, और ये चैम्बर की वजह से 1 साल से तकलीफ है, 1 से 1.5 साल से तकलीफ है। गाड़ी आती है साफ़ होता है, एक दिन क्लियर रहता है, दूसरे दिन क्लियर रहता है, तीसरे दिन वापस यही कंडीशन हो जाती है, साल भर से ये कंडीशन है, तो इसका ना कोई सुनवाई हो रही है ना कुछ हो रहा है, खाली सफाई होती है, वो भी 10 बार फ़ोन करने के बाद में गाड़ी आती है, सफाई होती है थोड़ी देर के तो एक टाइम पे सफाई होती है, फिर 2 दिन बाद ये यहाँ पे जब तक ये ड्रेनेज लाइन चेंज नहीं होगी, नई ड्रेनेज लाइन अगर नहीं डालेंगे तो यहाँ क्लियर होने वाला है नहीं, साफ़ कितनी भी सफाई कर लो, क्योंकि सफाई होती है फिर 2 दिन बाद वही कंडीशन हो जाती है, तो यहाँ पर अगर नई ड्रेनेज लाइन डालेंगे तो ये मामला क्लियर होगा।
तो देखा आप लोगों ने ये जो एरिया का पर्टिकुलर एरिया का ये जो प्रॉब्लम है वो यही है कि यहाँ की जो चैम्बर की जो लाइन है वो बहुत पुरानी है और आबादी जो है यहाँ पर थोड़ी बढ़ चुकी है। तो इसके लिए उनकी ये रिक्वेस्ट है कि लाइन जो है वो ड्रेनेज की वो नई डाली जाए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि घरों के सामने बिल्कुल पूरा चैम्बर का पानी बाहर आया हुआ है। तो लोग खाना कैसे खाएंगे, बच्चे कहाँ पर खेलेंगे, कोई अपनी गाड़ियाँ कोई आना जाना चाहेगा तो इसके गंदगी के बीच में से कैसे आएगा जाएगा, कोई मेहमान अगर इनके यहाँ आना चाहेगा तो वो कैसे आएगा। ये बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पर इस मोहल्ले वालों को हो रही है। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है नगर पालिका से, कमिश्नर साहब से, जो यहाँ पे सोशल वर्कर होंगे वो, जो यहाँ पे चार नगर सेवक हैं वो, जो हमारे महापौर हैं, उप महापौर हैं, जो रह चुके वो लोग, उनसे सभी से ये रिक्वेस्ट है कि एक खास नज़र डालें इसके ऊपर और जल्द से जल्द इनकी ये समस्या है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करके, इस प्रॉब्लम को वो सॉल्व करके दे, क्योंकि आगे सर पर रमज़ान है तो लोगों को वो दिक्कत ना हो, इसलिए जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए।